भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 9992499821। नौगछिया के कुख्यात राकेश राय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पास से सोनू राय का पर्स सहित दस्तावेज बरामद। भागलपुर बिहार पुलिस मुख्यालय से घोषित 50,000 रुपये का इनामी अपराधी एवं 17 अक्टूबर को हुए बहुचर्चित सोनू राय हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुख्यात राकेश राय को एसटीएफ के मदद से एसआईटी ने नवगछिया से सटे कटिहार बॉर्डर के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार राकेश राय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके साथ हुए पूछताछ और निशानदेही पर मामले में झाबो उर्फ मनीष राय को पूर्णिया सदर से एवं संजो सिंह के पुत्र अमर सिंह को खरीक के बभनपुरा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 12 कारतूस, 3 मोबाइल, राकेश राय के पास से 23,500 रुपये, झाबो राय उर्फ मनीष राय के पास से 3,000 रुपये, मृतक सोनू राय का पर्स, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों को बरामद किया। गौरतलब हो कि कुख्यात राकेश राय मृतक सोनू राय का अपना सगा चाचा था और पारिवारिक पुरानी राजनीतिक दुश्मनी के कारण जिला परिषद सदस्य गौरव राय के भाई सोनू राय की नौगछिया पुलिस जिला के परबत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर टेक्नो मिशन स्कूल के पास सुबह में गोली से छलनी कर हत्या कर दी थी और यह मामला काफी सुर्खियों में रहा। मामले के खुलासे को लेकर नौगछिया एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। कुर्की जब्ती भी की गई थी और साथ में 50,000 रुपये इनाम का प्रस्ताव भी भेजा गया था। इसके बाद जो एसटीएफ का भी सहयोग लिया गया था और एसटीएफ के द्वारा कोकल या गुप्त सूचना मिली थी कि जो सोनू राय हत्याकांड का जो मुख्य अभियुक्त है वो कटिहार नौगछिया बॉर्डर के पास है और इस सूचना पर एसटीएफ तथा नौगछिया पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई और जिसमें से जो मुख्य अपराधी है राकेश राय उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा जब पूछताछ किया गया तो इसके द्वारा अपने इस घटना में संलिप्तता को स्वीकार किया गया है। इनके बीच में पूर्व से दुश्मनी चली आ रही थी जिसको लेकर के इस घटना को अंजाम दिया गया है और साथ में उसके पूछताछ के आधार पर अन्य अपराधियों के जो इस घटना में शामिल रहे हैं वहाँ जब छापेमारी की गई तो इस घटना में शामिल झाबो राय उर्फ मनीष राय को उसके ससुराल जो कि पूर्णिया जिला के सदर थाना क्षेत्र में है वहाँ से गिरफ्तार किया गया है और साथ में छापेमारी में पूछताछ के क्रम में जो अपराधी राकेश राय के द्वारा यह बताया गया कि इसके द्वारा उसका जो एक राइफल है वो संजो सिंह को दिया गया है और राइफल और गोली को। तो इसके बाद पुलिस के द्वारा जब संजो सिंह के घर पर छापेमारी की गई तो संजो सिंह के घर से उसका पुत्र अमर सिंह को गिरफ्तार किया गया है और साथ में वहाँ से एक देसी कट्टा, 12 गोली को बरामद किया गया है। तो इस प्रकार से और साथ में इसके संबंध में खरीक थाना में एक अलग सा केस 307/19 जो आम साइड का है उसको दर्ज किया गया है। तो इस तरीके से ये जो पूरी कार्रवाई की गई है उसमें एक देसी कट्टा, 12 गोली, 3 मोबाइल और राकेश राय के पास से 23,500 रुपया नकद बरामद किया गया है। साथ में झाबो राय के पास से जो सोनू राय की हत्या हुई थी तो उसका पर्स, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि झाबो राय के पास से बरामद किया गया है। नवगछिया में मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने झपट मारी कर उड़ाए 1,00,000 रुपए। नवगछिया थाना क्षेत्र के 0 माइल के पास हुई घटना।
नौगछिया SBI बैंक से पैसे निकासी कर पीड़ित लौट रहा था अपने घर। नौगछिया थाना क्षेत्र के नौगछिया 0 माइल के समीप मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में अपराधियों ने 1,00,000 रुपए झपट मारी कर उड़ा ले गए हैं। घटना के संदर्भ में पीड़ित कदुआ OP के कदुआ निवासी राजेंद्र कामत ने नौगछिया थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। राजेंद्र कामत ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर बाद नौगछिया SBI शाखा से 1,00,000 रुपए की निकासी की। पैसे निकासी करने के बाद पैसे को अपने बैग में रख लिया और मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने घर जाने लगा। उन्होंने बताया कि वह मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर पैसे से भरा बैग लेकर बैठे हुआ था। संध्या समय जब मोटरसाइकिल से 0 माइल तक वह पहुंचा तो पीछे से आ रही मोटरसाइकिल सवार पहले तेजी से आगे निकला, इसके बाद वह फिर से पीछे हुआ, इसके बाद वह मेरी मोटरसाइकिल के समक्ष हो गया। इसी दौरान मोटरसाइकिल के पीछे बैठे युवक ने एक झटके से मेरा बैग छीन लिया, इसके बाद मोटरसाइकिल चला रहा युवक तेजी से मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते, हल्ला करते, तब तक वह वहां से भाग चुका था। घटना के संदर्भ में नौगछिया थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक राज कपूर कुशवाहा ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नौगछिया राज्य ड्रॉप रोबॉल प्रतियोगिता में भाग लेंगे नौगछिया के 2 खिलाड़ी। बिहार राज्य ड्रॉप रोबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में 14 एवं 15 दिसंबर को पटना में आयोजित होने वाले बिहार राज्य ड्रॉप रोबॉल प्रतियोगिता 2019 में नौगछिया के 2 खिलाड़ी शामिल होंगे। पटना में आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता में नौगछिया के खिलाड़ी जेम्स एवं मुनी कुमारी भाग लेंगे। दोनों खिलाड़ी शुक्रवार को नौगछिया स्टेशन से पटना के लिए रवाना हुए। इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी सिरडी महाराष्ट्र में होने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने जाएंगे। नौगछिया स्टेशन पर जिला संयोजक घनश्याम प्रसाद, खेल संघ के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव, अखिलेश पांडे, संजय सिंह, राम सेवक भगत, संतोष कुमार सिंह, सुमित कुमार देव, प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सुरेंद्र यादव, SN पांडे, रंजीत यादव सहित कई अन्य ने टीम को शुभकामनाएं दी। नौगछिया शिविर लगाकर किसानों के दस्तावेज लिए जाएंगे जमा, फिर होगा मुआवजे राशि का भुगतान। जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के साथ किसानों से मिले जिला परिषद सदस्य। इस्माइलपुर से जाह्नवी चौक रिंग बांध के निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो, इसको लेकर शुक्रवार को इस्माइलपुर जिला परिषद सदस्य विपिन कुमार मंडल जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ गांव-गांव जाकर किसानों से मिले। जिला परिषद सदस्य विपिन मंडल ने बताया कि इस दौरान जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता अनिल कुमार, विजय कुमार, अमृतेश कुमार एवं अमीन सुबोध कुमार मौजूद थे। इस दौरान पदाधिकारियों के साथ प्रखंड के केलावाड़ी, मेघल टोला, महंत टोला, वेदी राय टोला के किसानों से मिलकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो, इसके लिए विचार विमर्श किया गया। नवगछिया मिशन साहसी कार्यक्रम में छात्राओं ने सीखा अचानक होने वाले हमले से बचने का उपाय। मदनहलिया महिला कॉलेज में अभाविप की कॉलेज अध्यक्ष स्मृति सिंह के नेतृत्व में चल रहे आत्मरक्षा शिविर मिशन साहसी के दूसरे दिन प्रशिक्षक जेम्स फाइटर ने छात्राओं को अचानक होने वाले हमले से खुद को बचाने के बारे में बताया एवं आत्मरक्षा से जुड़ी कई तकनीकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने स्ट्रेच, वार्म अप, पंच, किक, ब्लॉक इत्यादि के बारे में बताया। वहीं मौके पर अभाविप की कॉलेज मंत्री आकांक्षा चौधरी ने बताया कि मिशन साहसी का सफल प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें सैकड़ों छात्राएँ प्रशिक्षण ले रही हैं।
नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया कक्षा नर्सरी से दसवीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-047-33, 73-68-91-47-33, www.pis.education। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक बार जरूर पधारें प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल। भागलपुर, नवगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात, सोनाम मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है AC एवं नॉन AC कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल, नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 9992499821। नवगछिया का पहला फर्नीचर शोरूम अब और भी नए आकर्षक रूप में। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम, फर्नीचर, फर्निशिंग एवं किचन वेयर के सभी सामान के साथ एक नए आकर्षक रूप में। शीशम सागवान पलंग, त्रिवेणी वैशाली कंपनी अलमीरा, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर। धनतेरस गौरी शंकर फर्नीचर, नवगछिया हाई स्कूल के सामने। संपर्क सूत्र सौरभ जायसवाल, 9796-11005, 8292-9431-26। नवगछिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिम, वर्ल्ड जिम, स्टेट बैंक के सामने, एक्सिस बैंक के समीप, नवगछिया। समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने का एक उपक्रम, पूर्णतया वातानुकूलित, महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग समय, मोटापा, हाई लो BP, थायराइड जैसी खतरनाक बीमारी को खुद से दूर भगाए। व्यवस्थापक अमित कुमार, सचिव अभिषेक आनंद। हमारा पता है वर्ल्ड जिम, नवगछिया स्टेट बैंक के सामने, एक्सिस बैंक के पास। संपर्क सूत्र 9031696929, 9031-7969-29, 799-224-5510। बैग चॉइस, बैग चॉइस, महेंद्र लस्सी वाले के सामने, उदार गली, नवगछिया। हमारे यहाँ उपलब्ध है ट्रॉली बैग, डफल, स्कूली बैग, सूटकेस, लेडीज पर्स, जेंट्स पर्स, छाता, रेनकोट सहित कई सामान। 20 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक का बैग है हमारे पास उपलब्ध। नवगछिया का एकमात्र दुकान जहां उपलब्ध है अमेरिकन टूरिस्टर का सामान। एक बार अवश्य पधारे बैग चॉइस, महेंद्र लस्सी वाले के सामने, उदार गली, नवगछिया। संचालक डॉक्टर रजनीकांत देव। हमारा संपर्क सूत्र है 8294855586, 8294855586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। नवगछिया का गौरव त्रिशा खोआ मेकर, शुद्ध घी, खोआ, पनीर, मक्खन के लिए एक बार अवश्य पधारें। पता भवानीपुर, नया टोला, नवगछिया, काली स्थान के समीप। संपर्क करें कुंदन कुमार जायसवाल, 9571-43094-87-79-23-1002। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक, नवगछिया। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह। हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437, 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक, नवगछिया। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक, नवगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा, NH 31, अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने, मकनपुर चौक, नवगछिया। मोबाइल नंबर, नवगछिया के तुलसीपुर
एवं सिंहकुंड पैक्स चुनाव पुलिस सुरक्षा में शांतिपूर्ण संपन्न। नवगछिया के खरीक प्रखंड में पैक्स चुनाव शुक्रवार को पुलिस सुरक्षा में शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। पैक्स चुनाव को लेकर खरीक प्रखंड के तुलसीपुर में 3 मतदान केंद्र एवं सिंहकुंड में 2 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया गया। इस अवसर पर हर मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की विशेष रूप से प्रतिनियुक्ति कराई गई थी ताकि किसी भी तरह की अशांति उत्पन्न होने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। सभी बूथों पर खरीक थाना अध्यक्ष NS चौहान लगातार गश्ती दल के साथ कैंप कर रहे थे। पैक्स चुनाव को लेकर उत्साहित मतदाता विभिन्न मतदान केंद्रों पर 7 बजे से मतदान करना शुरू कर दिया था। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं ने सुबह के 7 बजे से 3 बजे तक मतदान किया। तुलसीपुर और सिंह कुंड के कई मतदाता पैक्स चुनाव में मतदान करने से वंचित भी रह गए। दाताओं ने बताया कि उनका नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं हो सका है। वहीं बताते चलें कि पैक्स चुनाव मतगणना शनिवार को सुबह 8 बजे से प्रखंड मुख्यालय खरीक में प्रारंभ होगा और मतगणना समाप्त होने तक जारी रहेगा। नवगछिया, मोटरसाइकिल चोरी कर ले जा रहे चोर को लोगों ने पकड़ा किया पुलिस के हवाले। नवगछिया बाजार के वैशाली चौक से मोटरसाइकिल चोरी कर ले जा रहे चोर को मोटरसाइकिल के मालिक एवं स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पकड़े गए चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। मोटरसाइकिल चोरी कर रहे चोर खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के करना निवासी किशोरी सिंह के पुत्र अभिषेक कुमार है। इस मामले में मोटरसाइकिल के मालिक नवगछिया थाना क्षेत्र के नगर निवासी विजय कुमार सिंह ने नवगछिया थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। विजय कुमार ने बताया कि वह अपनी हीरो HF मोटरसाइकिल से नवगछिया बाजार सब्जी खरीद करने के लिए आया था। मोटरसाइकिल को वैशाली मिठाई दुकान के पास खड़ी कर हैंडल लॉक कर सब्जी खरीद करने के लिए चला गया। करीब 40 मिनट बाद लौटा तो अपनी गाड़ी जहां खड़ी किया था वहां पर नहीं दिखा। इसके बाद वे गाड़ी को खोजने लगे तो देखा कि एक व्यक्ति मेरी मोटरसाइकिल को लुढ़काते हुए लेकर जा रहा था। जब मैंने आवाज लगाई तो वह गाड़ी लेकर तेजी से भागने लगा। इतने में ही हमने चोर चोर हल्ला किया तो लोगों ने मेरी मोटरसाइकिल ले जा रहे चोर को खदेड़ कर पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस पहुंची तो चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। नवगछिया थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक राज कपूर कुशवाहा ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नवगछिया, ओम प्रकाश शांति बने उपकारा नवगछिया के अधीक्षक। नवगछिया उपकारा के अधीक्षक मनोज कुमार को मंडल कारा भभुआ का जेल अधीक्षक बनाया गया है। वहीं ओम प्रकाश शांति को उपकारा नवगछिया का अधीक्षक बनाया गया है। आश्वासन के बाद वृद्ध किसान ने समाप्त किया अनशन। गोपालपुर थाना क्षेत्र के डिमहा गांव के मुखिया पति अजय चौधरी के विरुद्ध जमीन न जोतने देने का आरोप लगाकर अनशन पर बैठे डिमहा गांव के ही किसान ब्रजनंदन चौधरी ने शुक्रवार को अनशन समाप्त कर दिया है। प्रशासनिक पदाधिकारी और लोगों के समझाने बुझाने के बाद वृद्ध ने अनशन समाप्त किया। मौके पर नवगछिया के CO विद्यानंद राय, नगरा के थानाध्यक्ष राज कुमार सिंह, नवगछिया के अस्पताल उपाधीक्षक AK राय, आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव, श्री किशोर झा आदि अन्य भी मौके पर मौजूद थे। नारायणपुर में डीलर पर खाद्यान्न की कालाबाजारी का आरोप। उपभोक्ता द्वारा डीलर से राशन के राशन की मांग पर जाति सूचक शब्द से करता है बात। नारायणपुर प्रखंड के सिंहपुर पश्चिम पंचायत के नवटोलिया गांव में डीलर द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी करने व महादलित उपभोक्ता से जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने का मामला प्रकाश में आया है। मोजमाबाद गांव के वार्ड संख्या 11 के रेलवे लाइन किनारे विस्थापित महादलित परिवार शुक्रवार को डीलर विनोद मिश्र के पास दर्जनों की संख्या में राशन लेने के लिए गए। तब पता चला कि नवंबर व दिसंबर माह का राशन उठा हो गया है, लेकिन डीलर द्वारा कालाबाजारी कर खाद्यान्न का उपभोक्ता के बीच अभी तक वितरित नहीं किया गया है। वही मामले को लेकर उपभोक्ता ने सामूहिक हस्ताक्षर युक्त आवेदन नारायणपुर BDO को दिया है। नवगछिया, 50 बंदियों का किया गया HIV व यक्ष्मा की जांच। नवगछिया उपकारा में शुक्रवार को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल की स्वास्थ्य टीम के द्वारा उपकारा में बंद बंदियों का HIV एवं यक्ष्मा की जांच की गई। इस दौरान टीम के द्वारा HIV एड्स एवं TB के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस शिविर में शुक्रवार को कुल 50 बंदियों का HIV टेस्ट एवं TB की जांच की गई। TB में नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के ICTC के परामर्शी अजय कुमार सिंह, टेक्नीशियन अजीत प्रकाश एवं RNTCP के प्रतीक व अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। परामर्शी अजय कुमार सिंह ने कहा कि इस शिविर में बंदियों को HIV एड्स के बारे में जानकारी दी गई है, साथ ही इससे बचाव के बारे में बताया गया है। नवगछिया में क्रिकेट क्लब कमेटी का हुआ गठन, अध्यक्ष बने रामदेव प्रसाद यादव।
नौगछिया क्रिकेट क्लब की बैठक शुक्रवार को नौगछिया के एक निजी प्रतिष्ठान में आयोजित की गई। बैठक में नौगछिया क्रिकेट क्लब की नई कार्यकारिणी कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में सर्वसम्मति से रामदेव प्रसाद यादव को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, सचिव अखिलेश पांडे, संयोजक घनश्याम प्रसाद, कोषाध्यक्ष अनुराग कुमार को बनाया गया है। कार्यकारिणी कमेटी सदस्य में राकेश भगत, सजन गुप्ता, प्रशांत कुमार, प्रमोद कुमार, राजेश कुमार, रमन सिंह एवं जेम्स को शामिल किया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि टीम का रजिस्ट्रेशन भागलपुर जिला क्रिकेट संघ से रिन्यूअल करा लिया जाएगा, ताकि क्लब के खिलाड़ियों को जिला। नवगछिया, मधेपुरा की लड़की खरीक में बरामद। नवगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना क्षेत्र में मधेपुरा की लड़की को पुलिस ने बीहपुर के एक घर से लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में बरामद किया है। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है।